मैं बार सिंगर थी, आई टू बी वर्किंग ओवर देयर। और जब मैंने बिल्कुल छोड़ दिया, जैसे भट्ट साहब से जब मिलने आई, तो उस दौरान मेरी मुलाकात एक शख्स से हुई थी जो मेरा शोज देखने के लिए आते थे, और उनको ऐसा लगता था कि मैं बनना कुछ और चाह रही हूँ और मैं इसमें हूँ, मैं आधा जहन इधर है आधा कहीं और है। तो उन्होंने एक दिन मुझसे पूछा कि तुम करना क्या चाहती हो लाइफ में। तब तक हमारे ताल्लुक शुरू हो गए थे, मतलब ही वॉज वेरी क्लोज टू मी। तो मैंने कहा कि मुझे राइटर बनना है, लेकिन मैंने इतने धक्के खाए हैं, मुझे किसी ने मौका ही नहीं दिया। सेम लाइन्स विच आई पुट इन द फिल्म। कभी बार डांसर रही शगुफ्ता रफीक की आज नई पहचान है। दर्जन भर हिट फिल्मों के स्क्रीन प्ले और डायलॉग लिखने का श्रेय जाता है शगुफ्ता रफीक को। शगुफ्ता रफीक आज बॉलीवुड का जाना माना नाम है, जिनके लिखे संवाद आपके दिल को छूते हैं। उनके स्क्रीन प्ले में आप कई बार खो चुके होंगे। आज बॉलीवुड का ये जाना माना नाम एक वक्त जिंदगी जीने की जद्दोजहद में ऐसा उलझा था कि रास्तों की उसे समझ ही नहीं थी। और फिर कई साल तक के हम फिर हैंड टू माउथ हो गए, वही तकलीफ फिर शुरू हो गई। फिर उन्होंने जाके यहाँ वहाँ पैसे मांगने शुरू किए, जो कुछ उनके पास था बेचना शुरू कर दिया। उनकी हालत बहुत खराब थी, घर के हालात बहुत खराब थे। तो जिसकी वजह से फिर 17 साढ़े 17 साल की उम्र में फिर मुझे मैं कॉल गर्ल बन गई, मैंने पेशा करना शुरू कर दिया। और ये जो है कम से कम 10 साल तक मैं यही कर रही थी। और पर तब मेरी एक दोस्त थी, उसने मुझसे कहा, वो डांस वगैरह करती थी, तो उसने मेरे को बोला कि तुम ये कब तक करोगी, इससे तो ये बेहतर है कि तुम जो मैं करती हूँ वो करो, डांस बाज। शगुफ्ता रफीक खुद बताती हैं कि जब से उन्होंने होश संभाला, खुद को जिस्म फरोशी के धंधे में पाया, लेकिन जिंदगी बदलने की चाहत में वो बार डांसर बनी और फिर सिंगर। लेकिन डांस बार बंद होने से साल भर पहले एक शख्स ने आकर जिंदगी बदल दी। जिंदगी बदलने की घटना ही आशिकी 2 फिल्म का एक बड़ा हिस्सा है। मतलब जो आशिकी में सीन है कि मैं ये छोड़कर नहीं जा सकती, वो आपकी रियल लाइफ का है। ये पिक्चर भी कम से कम 30-40% फिल्म की मेरे रियल लाइफ पे ही है। 2005 में डांस बार बंद होने के बाद उनकी पहली फिल्म आई 2006 में, वो थी वो लम्हे। तो जिस दिन मैंने वो लम्हे साइन की, उसके 2 रात पहले तक मैं बार में डांस कर रही थी। अच्छा। तो मुझे फोन आया, भट्ट साहब ने मुझे कहा कि मोहित तुमसे वो लम्हे लिखवाना चाह रहा है। तो मैंने कहा कि पर मैं जॉब नहीं छोड़ सकती, ये सीन आशिकी में भी है, मैंने ये सीन डाला था फिल्म में। कहती है, मैंने कहा ठीक है भट्ट साहब, करना चाह रहे ठीक है, लेकिन मैं उम्मीद पर अब ये जॉब नहीं छोड़ सकती। मैं पहले ही बहुत बार मैं अपना जॉब छोड़ छोड़ के आती थी और मैं यहाँ स्ट्रगल करती थी, लेकिन अब मैं जॉब नहीं छोड़ूंगी। तो भट्ट साहब ने मुझसे कहा था कि ठीक है, तुमको जब तसल्ली हो जाए तब तुम ये जॉब छोड़ देना। तो वो सीन बिल्कुल रियल लाइफ का था। इस फिल्म का स्क्रीन प्ले और डायलॉग शगुफ्ता रफी के ही है। इसके बाद तो शगुफ्ता के पास काम की लाइन लग गई।